हेलो फ्रेंड, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी बनाएंगे, वो भी हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। सिंपल तरीके से ये सब्जी बनाएंगे तो भी ये सब्जी है खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 मैंने आलू लिया है। तो ये आलू को मैंने 1 घंटे पहले मैंने ये आलू को पानी में मैंने भिगोने के लिए मैंने ये बाउल में रख दिया है। तो ये आलू के ऊपर हम ये छिलके निकाल देते हैं। तो ये छिलका वाली भी आलू की सब्जी बनती है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने छिलके मैंने आलू के ऊपर मैंने निकाल दिया है। अब हम ये आलू को कट कर लेते हैं। तो कट आप अपना हिसाब से लगा सकते हैं, जितना टुकड़ा बड़े या छोटे रखना चाहते हैं उतना आप आलू का टुकड़ा रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं आलू को कट कर लेती हूँ। तो ये आलू की सब्जी मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को मैंने काट के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है। हम ये बर्तन में डालेंगे तेल डालेंगे। तो तेल आप अपना हिसाब से डाल सकते हैं, जितना खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून जितना मैंने डाला है तेल। तो तेल को गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। तो आधी स्पून जितना हम डालेंगे मस्टर्ड सीड डालेंगे, आधी स्पून जितना हम उसमें डालेंगे जीरा डालेंगे, उसके बाद हम उसमें डालेंगे हींग डालेंगे, आधी छोटी स्पून जितना हम हींग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 3 लिया है हरी मिर्च लिया है। तो ये मिर्ची को मैंने बीच में कट लगा लिया है, वो हम डाल देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हल्दी को। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे ये 1 टेबल स्पून जितना अदरक, क्रश किया हुआ अदरक है वो हम डाल देते हैं। उसके बाद ये कट किया हुआ आलू है वो हम डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक डालेंगे। तो नमक आप अपना हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर ढक्कन बंद करके हम ये सब्जी को हम मीडियम फ्लेम पर पकाना है। हाई फ्लेम पर ये सब्जी को नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पर हमें सब्जी को कम से कम 5 या 6 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। ये सब्जी को मीडियम फ्लेम पर पकाना है, एकदम हाई फ्लेम पर ये सब्जी को नहीं पकाना है, नहीं तर ये आलू है वो भी जल जाएंगे और कच्चे रहेंगे। वैसे ये नॉनस्टिक पैन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाने वाले हैं तो एकदम मीडियम फ्लेम पर ये सब्जी को पकाना है। तो यहाँ पर हमारा ये आलू है वो पक चुका है, थोड़ा सा ये आलू कच्चा है। तो अब हम उसमें डाल देंगे ये रेड चिली पाउडर है। तो मैंने 1 टेबल स्पून जितना लिया है रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। कलर भी सब्जी का अच्छा आएगा और ये उतनी स्पाइसी भी ये सब्जी नहीं बनेगी। तो लाल मिर्च पाउडर डाल के ये सब्जी को 1 मिनट तक हम एकदम लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो ये सब्जी का कलर भी बढ़िया आएगा और लाल मिर्च पाउडर है वो भी नहीं जलेंगे। तो इस तरह से हम 1 मिनट तक हम ये सब्जी को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे पानी डालेंगे। तो पानी में आधा ग्लास जितना मैं उसमें डालने वाली हूँ। आप जो ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा उसमें डाल दीजिए। तो मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैंने आधा ग्लास पानी डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम ढक्कन बंद करके ये सब्जी को मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो सब्जी को हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी है वो अच्छे से पक चुका है, उतनी ग्रेवी मैंने रखी है और अभी तो थोड़ी ये ग्रेवी ज़्यादा दिख रही है। थोड़ी देर के बाद ये आलू है वो ग्रेवी ले लेते हैं तो सब्जी है वो सूखी हो जाएगी। तो आपको जो ज़्यादा ग्रेवी रखना है तो आप उसमें ज़्यादा पानी डाल दीजिए। तो ये ग्रेवी वाली सब्जी भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारा आलू अच्छे से पक चुका है तो हम उसमें डालेंगे लेमन जूस डालेंगे। तो 1.5 टेबल स्पून जितना लेमन जूस मैंने डाला है, आधी स्पून जितना ये है गरम मसाला है। तो यहाँ पे मैंने ये सब्जी का गरम मसाला यूज़ किया है। आप उसकी जगह पाव भाजी का मसाला भी डाल सकते हैं। मैं दोनों यूज़ करती हूँ, पाव भाजी का मसाला कई बार डालती हूँ और कई बार ये सब्जी का मसाला भी डालती हूँ। तो 1 टेबल स्पून जितना मैंने डाला है धनिया जीरा पाउडर डाला है। गैस की फ्लेम भी एकदम लो है, लो फ्लेम पर मैं ये मसाला डाल रही हूँ। तो
मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो हमारी आलू की सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो उसके ऊपर हम हरा धनिया से हम गार्निशिंग कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी ये एकदम इजी एंड फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और ये आलू को तो टाइम नहीं लगता है पकने में, तो फटाफट ये आलू की सब्जी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इस तरह से एक बार बना के जरूर ट्राई करना, आपको भी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो ये आलू की सब्जी बहुत तरीके से बनाई जाती है, रस्सा वाली भी बना सकते हैं, आलू की सब्जी छिलके वाली भी बना सकते हैं, और आलू को बॉईल करके भी सब्जी बना सकते हैं, और आलू की सब्जी को कुकर में भी बना सकते हैं। बहुत तरीके से सब्जी बनाई जाती है, तो हम सारी की सारी रेसिपी में ज़रूर शेयर करूँगी। तो लीजिए, हमारी ये आलू की सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो ये आलू की सब्जी है, हम रोटी के साथ, राइस के साथ, दाल चावल के साथ ये आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में।